चलो। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। अभी आपको बताएंगे वॉलनट की ग्राफ्टिंग कैसे करी जाती है, आपको दिखाएंगे अभी। तो जो चैनल पर नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर लें। तो ये हमारी जो है स्टिक है, कलम है, किस तरीके से करेंगे हम इसमें जो है 1.5 से 2 इंच का चीरा मारेंगे ऐसे। इसको साफ रखना है तो इस तरीके से आपने इसको, यहाँ भी हमने ये ज़्यादा से ज़्यादा लंबी रखनी है। और ये देखिए, ये हमारी स्किन बिल्कुल अच्छी तरह से मिल चुकी है। देखिए बिल्कुल साफ जो है हमारी मिल चुकी है। अब हम इसमें जो है कागज़ लपेटने वाले हैं। कागज़ इस तरह से लपेटें कि इसकी चमड़ी जो है आपस में मिल जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर जो पहली बार हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को ऑल पे सेलेक्ट करें ताकि अगली वीडियो जो है आपको नोटिफिकेशन पहले मिल सके। इस तरीके से ये हमारी एक कलम हो चुकी है, ये दूसरी करने जा रहे इस तरीके से। इस तरह से आप एक बार कलम को छील लीजिए, बिल्कुल तेज धार चाकू चाहिए इसके लिए। जो अगली वीडियो बनाएंगे वो हम वॉलनट की चिप बडिंग कैसे करी जाती है उस तरीके से उसके लिए बनाएंगे कि इसकी चिप बडिंग कैसे करी जाती है। और चैनल को तब तक सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये हमने कुछ नीचे को कर रखी है कलमे पीछे को। इस तरीके से हमने अभी तक जो है 3 कलमें कर ली हैं। आप भी वॉलनट की ग्राफ्टिंग इस तरह से कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूले, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये आप इस तरीके से इस पर कागज़ थोड़ा टाइट कसिएगा ताकि इसमें हवा ना जा सके। यही से रुकनी, थोड़ा दिखता रहे।
देखिए ये इस तरह से हमने स्किन में बिल्कुल ऐसे बिठाना है इसको, बिल्कुल हम इसको कागज से बिल्कुल कस लेंगे। उधर ये बंद बिल्कुल ही थी जो आपने यहाँ से बोला ना, उधर ये थी कट। हवा का बिल्कुल भी कागज टाइट रखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इसमें जो है आपका हवा ना जा सके। हमारे कुछ पार्टियाँ ब्रीक हैं इसमें, तो नेक्स्ट ईयर ही ग्राफ्टिंग हो पाएगी। कलम थोड़ी बैठी नहीं थी तो हम इसको ढंग से बैठाने की कोशिश करेंगे इस तरीके से। कलम इस तरीके से बैठानी है कि आपको स्किन टू स्किन मिल सके इसकी अच्छी तरह से। इसमें भी 1.5 से 2 इंच जो है आपको छीलना है कलम को। देखिए 1.5 से 2 इंच छील लिया हमने कलम को।
छोटी ये लंबी स्टिक है, इसको हम बाद में काट देंगे। इसमें जो दो आंख रखनी है हमने, दो बड रखने हैं। चाकू की धार बिल्कुल तेज होनी चाहिए, जो छिलके निकलते हैं हल्के हल्के से वो नहीं निकलने चाहिए इसमें। साइड से दिखा दो, हमने इसको छिल लिया है, दो से तीन इंच लंबा छिलका निकाला हमने, थोड़ा दूर से। ये देखिए प्रॉपर तरीके से हमारा बिल्कुल कलम बैठ गई इसमें, इस तरीके से आपने भी बैठाना है। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे चिप बड़ी कैसे करी जाती है, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें और बेल आइकन की घंटी को ऑल पे सेलेक्ट कीजिए ताकि अगली वीडियो आपको सबसे पहले पहुंच सके। ये एक बड हो गया, ये दूसरा बड है, इसको हम यहाँ से काट देंगे। बाकी चैनल पर जो भी मेरे चैनल को देख रहे हैं वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।